अभी हम लोग, मैं आपको बता तो थोड़ा बहुत समझा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। अभी हम फास्ट ट्रैक के बजाय ये जो ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट के आधार पर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और टोल ना के ख़त्म कर रहे हैं, तो आप क्या होगा कि आपके गाड़ी के नंबर प्लेट की इमेज कैच होगी, जहाँ से हमारे रोड पर लगेगा, जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ फ़ोटो निकल जाएगा, जहाँ से निकल जाओगे वहाँ निकल, उतना पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा। जो फोर लेनिंग और बड़े रोड्स हैं उसमें अभी मैंने आज और एक बात की जो कल मैंने कही थी कि मैं इतना काम क्यों कर पा रहा हूँ। अभी मैंने हमारा इनविट, जैसे हम BOT PPP हाइब्रिड इनविटी में काम करते हैं, तो हम लोग पैसा बजट का भी आता है, बाहर से भी, मार्केट से भी लेते हैं। और मैं फिर से एक बार आपको आह्वान करता हूँ सभी मुख्यमंत्री जी को कि अभी इनविट में मैंने बॉन्ड निकाला था जो अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, तो 10 दिन की मुदत थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने बॉन्ड निकाला था NHI का, और उसमें 25% हमने रखा था छोटे लोगों के लिए, जो कर्मचारी है, सफाई कामगार है, कांस्टेबल है, वो हमारे यहाँ अगर बॉन्ड लेते 10,000 रुपये तक भी, तो हम उनको 8.02% रिटर्न देते हैं ईयरली। यानी बैंक में ब्याज मिलता है 4.5%, हम देते हैं 8.2%। तो हमने वो बॉन्ड निकाला था, हमारा बॉन्ड 10 दिन की मुदत थी तो पहले 7 घंटे में 7 times ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाके वो बेल बजाने के लिए 31 तारीख के बजाय 4 दिन पहले जाके उसको क्लोज करना पड़ा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम लोगों से पैसे ले रहे। दूसरा, टोल ये कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जहाँ आपको जाने के लिए, अभी दिल्ली से, मुझे यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए मुझे माफ़ करिए, दिल्ली से डेहराडून 9 घंटा लगता था, हरिद्वार जाने के लिए 8 घंटा लगता था। अब दिल्ली से डेहराडून 2 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटा, दिल्ली से जयपुर 6 घंटे लगते थे अब 2 घंटे, दिल्ली से चंडीगढ़ 8 घंटे लगते थे अब 2.5 घंटे, दिल्ली से कटरा अभी 12 घंटे लगते थे 6 घंटे, दिल्ली से मुंबई 40 घंटे लगते थे अब 12 घंटे में। अब ये जो रोड कम होगा तो नेचुरली उसका ट्रैफिक जाम कम होगा, डीजल पेट्रोल कम लगेगा, फ्यूल बचेगी, टाइम बचेगा, सेफ्टी बचेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो आपका सेविंग होगा। तो मुझे लगता है ये जो टोल है ये हम इससे नए रोड बनाने का, अभी मैं ब्रह्मपुत्रा पर देखो मेरे कार्यकाल में कितने ब्रिज बने हैं, पहले जितने बने थे उससे कई गुना ज़्यादा यही हमारे कार्यकाल में बना है। अब इतने 1-1, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ के ब्रिज, अभी मणिपुर का ब्रिज बना रहा हूँ मैं, वो ब्रिज है 4,000 करोड़ का। तो आखिर हम लोग लोगों को सेवा भी देंगे। देखिए मैं मजाक में कहता हूँ, हमने कॉन्फ्रेंस ली है, रेडिसन होटल 5 स्टार है, अगर फुकट में करना था तो ना अपने ब्रह्मपुत्रा के वहाँ हम पानीपुरी खा के वहाँ भी कर सकते थे, फुकट में मिलता था लॉन पर बैठ के। अब इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, तो थोड़ा बहुत रिजनेबल ही होगा। और वो हम 60 किलोमीटर के इसमें नियम में लगाएंगे, इसमें जनता और टोल किससे ले रहे, स्कूटर वाले से नहीं ले रहे, ऑटो रिक्शा वाले से नहीं ले रहे, ट्रैक्टर में एग्रीकल्चर ये उससे नहीं ले रहे, साइकिल वाले से नहीं ले रहे, हम किससे ले रहे, ट्रक वाले से ले रहे, ट्रेलर वाले से ले रहे और बस वाले से ले रहे। और ट्रैक्टर में अगर कुछ सीमेंट और स्टील होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हमने तो 85% लोगों को माफ़ ही कर दिया, फिर इनको भी हम पासेस बना के देते हैं। और अभी जो टोल बनाएंगे वो गांव के बाहर दूर बनाएंगे, गांव के लोग जहाँ जो बार बार जाते और तक वो नहीं होगी, नए पॉलिसी में वो भी सुधारेंगे। और इसलिए हम लोग जिनका समय बचेगा, जिनका फ्यूल बचेगा, उनका थोड़ा सा सेविंग 100 रुपये को हुआ तो 20 रुपये हम भी मांग रहे हैं, और उससे हम देश के रोड बनाएंगे। तो आप हमें इसमें समझ कर कोऑपरेट करिए, हम कोई चार्ज नहीं लगाते।